हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और उनको ज्ञापन भी दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द जो शिक्षक भर्तियाँ हैं वो आप सभी को देखने को मिलेंगी। उस पर काम तीव्र गति से चल रहा है। 27,000 वैकेंसी तो भरी ही जानी है, आप सभी को पता है। और आप सभी को ये भी पता है कि और भी अन्य वैकेंसियां आने वाली हैं। उस संदर्भ में आपके लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो होती है एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ते हैं तो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अब अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 1 से 5 तक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके सिलेबस में आपका एनसीईआरटी 8 तक का पोर्शन कवर होता है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को तैयार करना है। नोट्स आप सभी की तैयार हो चुकी है, बस थोड़ा सा उसमें काम और बचा है और बहुत ही जल्द आप सभी को नोट्स देखने को मिल जाएगी। जो भाई बंधु इस स्टार्टिंग फेज़ में चैनल से लगातार जुड़ रहे हैं वो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दिया करें, क्योंकि जो बराबर इस कमेंट के पोर्शन में रहेंगे उनको नोट्स फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद जो बच्चे रहेंगे उनको नोट्स का चार्ज देना पड़ेगा। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में रहेगी और एनसीईआरटी का निचोड़ रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री कर रहे थे और आज उसका अंतिम चैप्टर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये मध्यकाल को समाप्त करता है, आधुनिक काल को जोड़ता है, अर्थात ये जोड़ने का काम करता है ये चैप्टर। इस दृष्टिकोण से ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, आइए समझते हुए चलते हैं चीज़ें कहां से कहां कैसे बदलें। यदि आप मानचित्र और मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएँ किस तरह से बदली। आप यह भी देखें, 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। अभी आपको मैप में दिखाएंगे ये मानचित्र। हमें अब नीचे मानचित्र दिखाया गया है, समझिए बात को समझिए। ये जो है लिखा है मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 ईस्वी तक, देख रहे हो ये कितना बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ नीचे लगभग लगभग पूरा दक्षिण भारत, हैदराबाद, मराठा, गुजरात, पंजाब का क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र, अवध लखनऊ का क्षेत्र, बंगाल, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये सभी का सभी जो है मुगल आधिपत्य में था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये है 18वीं सदी के अंतर्गत आप सभी देखेंगे इन क्षेत्रों पर आपके अंग्रेज हावी हो चुके थे। उत्तरी सरकार का क्षेत्र और ये बंगाल और बिहार का क्षेत्र। देखिए पहले का जो बंगाल था उसके अंदर बिहार भी शामिल था, बंगाल बिहार, ठीक है, ये सब उसी में शामिल था। बंगाल बहुत बड़ा सूबा था आर्थिक दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से भी बंगाल बहुत बड़ा सूबा था। आगे बात करते हैं, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले हिस्से में, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी कई बार पूछा, 1707 में से 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में आप सभी को यहाँ पर पढ़ना है।
मुगल साम्राज्य और परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है बाद, या इन्हीं को कहते हैं उत्तरवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय चार में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च कर दिया, बहुत खर्च किया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी, अर्थात जो शासक हुए वो कुशल नहीं थे, अर्थात वो उस क्षेत्र को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाए जैसे औरंगजेब या औरंगजेब के पहले के शासकों ने किया था। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन अर्थात दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, मजबूत किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। अर्थात जब शासक कमज़ोर होने लगा तो अधिकारी अपने आप को मजबूत करने लगा। सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ, समझिएगा। जिस देश का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति कमज़ोर होता है, सेना वहाँ पर वर्चस्व स्थापित कर लेती है। क्यों स्थापित कर लेती है? क्योंकि सेना जो है, जो सेना का नेतृत्व है, जो उसका अधिकारी होता है, वो किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जब वो शासन ले लेता है तो फिर राजा को क्या करना पड़ता है? राजा को अपना देश छोड़ देना ही पड़ता है। लगभग लगभग अभी आपने इस घटना को बहुत जल्द सुना भी होगा। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता थी उसको चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए किया था। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रांतीय सूबेदार स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके, क्योंकि उनके अंदर वो सैन्य प्रशासन की कुशलता में कमी थी। अब इस टॉपिक को आप लोग एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कोई इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। चलिए, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था, भारत पर कब आक्रमण किया, तो याद रखिएगा 1739 में दिल्ली पर इसने आक्रमण किया। संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत लो गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का ताता लगा रहा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आज से अफगान और आज से अहमद शाह अब्दाली। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। आपसे पूछा जाता है नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कब आक्रमण किया और किसने 5 बार आक्रमण किया, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ये जो आपको दिया गया है प्रारूप, इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, मैं उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पूरी कहानी में बस इतना पोर्शन इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए।
60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीज़ें ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। जो तख्ते ताऊस है, मयूर सिंहासन है, इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन बना है, कई बार सीटेट में, यूपी टेट में, यहाँ तक कि आपके सुपर टेट में भी 1 से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये कहानी की जैसा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसमें कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्वता ने उसे और कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी का मतलब होता जो तुर्क मूल के थे। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे, कोई इस तरफ कोई उस तरफ। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फरुखसियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई, और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह 1748 से 54 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। शुरुआत करते हैं राजपूत से। एक चित्र दिखाया गया है एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फरुखसियर। ये हैं फरुखसियर और ये हैं उनके अभिजात। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्ट स्थान पाए थे, अर्थात कह सकते हैं विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। याद रखिएगा, जो अजीत हैं वो गुजरात के हैं, उनको जोधपुर की मिलती है, और जो अंबर के सवाई राजा मानसिंह हैं उनको मालवा की सूबेदारी मिलती है। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई और 1740 के दशक थे राजस्थान में मराठों। बात करते हैं, ये चित्तौड़ का किला है राजस्थान में, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के राजा जयसिंह, 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। तो आपसे पूछता है कि मुगल सत्ता को चुनौती किसने दिया था? मेवाड़। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। उन्होंने जो है कहा कि हम जो है आपकी इस सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। जयपुर में आपका जंतर मंतर है। आपसे पूछ ले जंतर मंतर कहाँ है, ऐसे याद रखिएगा, जा से जंतर मंतर, जा से जयपुर, ट्रिक लगा लीजिए, करिए। अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा।
अंबेर के शासक सवाई जयसिंह या अंबर कह सकते हैं, वहाँ के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं आज़ादी हासिल करना। सबसे पहले चर्चा करेंगे सिख की। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर, बात करते हैं कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हें मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो जो जत्थे और मिसलें हैं, जब वो आपस में मिल गई तो उसे दल खालसा कहा गया। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता अर्थात गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यह है महाराजा रणजीत सिंह की तलवार और यह है 10वें गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। ये इमेज है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज की। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। बात करते हैं 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोणदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी का कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जवाली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामे ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए बात करते हैं मराठा की। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 ने एक शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पश्चारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति केवल एक ही परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया।
पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हुआ। उसने स्नेह मतलब धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रादीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का भी अधिकार मिल गया। प्रमुख मराठा राज्यकर्ता शिवाजी महाराज 1630 से 1680, छत्रपति संभाजी महाराज 1681 से 1689, छत्रपति राजाराम महाराज 1689 से 1700, महारानी ताराबाई 1700 से 1761, छशाहू महाराज 1682 से 1749, ये आरसी मजूमदार 2007 के उस व्यू से लिया गया है जो यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी क्या है। चौथ जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था, याद रखिएगा। आगे आपको बता देता हूँ, बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा बुंदेलखंड गुजरात पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएँ तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार ने उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएँ खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा और मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। यह शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। बात करते हैं जाट की। जाट क्या थे? अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामण के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र में स्थित अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र में शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा के शहर के अभिरक्षक भी बन गए। बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल था। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था।
आपको याद रखना है। बात करते हैं जाट समृद्ध कृषक और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लौटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली पर बनाया गया है, वहीं दीघ में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया है। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीघ की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने में पेश की गई थी। चलिए, इसी के साथ आपका क्लास 7th के NCERT का संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा।